बिजनौर में सिगरेट ना उठाने को लेकर हुआ विवाद, व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। बिजनौर के कोतवाली देहात में मामूली बात पर कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। सिगरेट ना उठाने को लेकर विवाद में एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला कोतवाली देहात के ग्राम अकबराबाद का है, जहां 13 अक्टूबर को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि रात्रि समय रात 10 बजे गांव के ही फरमान पुत्र शरीफ अहमद द्वारा गांव में मानसिक रूप से कमजोर घूमने वाले व्यक्ति की ईंट से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 282/23 धारा 302 भादवी बनाम फरमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 282/23 धारा 302 भादवी से संबंधित अभियुक्त फरमान पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर की आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि फरमान उपरोक्त की मृतक के साथ पहले से कोई जान पहचान नहीं है। फरमान उपरोक्त का विवाद गांव में घूमने वाले मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ जमीन पर गिरी सिगरेट को उठाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसमें फरमान द्वारा ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फरमान उपरोक्त आवारा किस्म का व्यक्ति है, जो कभी कभी गाँव में आता जाता है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य। बीती रात लगभग 10 बजे ग्राम प्रहरी अकबराबाद के माध्यम से थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्थिर है, विगत दिनों कई दिनों से गांव में घूमा करता था। गांव के पीछे चबूतरे के पास गांव के ही एक व्यक्ति फरमान सनाफ शरीफ द्वारा उसके सर में ईंट से चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा। उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया और मौके से ही अभियुक्त फरमान सनाफ शरीफ को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि दोनों व्यक्ति चबूतरे पर बैठे थे, किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। अभियुक्त फरमान द्वारा अचानक ईंट से उसके सर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि अभी मृतक की पहचान नहीं हुई है, इसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त फरमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।